जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंवले और शहद के गुणों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि जिनसे नवजीवन पर समान प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा ही प्रयोग है इन आंवलों और शहद का, जिसके इस्तेमाल से आपका शरीर एकदम फिट और ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएगा। अगर आप आंवले और शहद का प्रयोग करते हैं तो आपको भरपूर फायदे होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इस आंवले और शहद का सेवन किस प्रकार से करना है तो आपको लाभ होगा। हरे आंवलों को कुचलकर या कद्दूकस कर कपड़े में छानकर आंवलों का रस निकाल लें। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद 15 ग्राम या आप मान के चलिए 3 छोटा चम्मच, जी हाँ, हरे आंवलों के रस में 15 ग्राम शहद मिलाकर प्रातः व्यायाम के बाद पी लें। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह जब आप व्यायाम कर लेते हैं तब इसे पिएं। इसके पश्चात 2 घंटे तक कुछ न लें। हरे आंवलों के मौसम में निरंतर 1.5-2 मास इसे लेते रहने से काया पलट जाती है। सभी रोगों से बचे रहने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक श्रेष्ठ योग है और कायाकल्प के समक्ष है। स्वास्थ्य लाभ और परहेज। जी हाँ दोस्तों, इसके सेवन से वीर्य विकार नष्ट होता है, प्रमेह एवं मूत्र गड़बड़ी ठीक होती है, पेशाब में धातु जाने का रोग अच्छा होता है। वीर्य पुष्ट और वीर्य के विकार नष्ट करने वाली इसके बराबर शायद ही कोई दूसरी औषधि हो। इससे अमाशय को बल मिलता है और शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है। सवन काल में ब्रह्मचर्य पालन करें और तेल, मिर्च, खटाई, गरिष्ठ और तले पदार्थों से परहेज करें। सोम रोग की शिकार महिलाएं जिनकी पेशाब रोकने की क्षमता के क्षय हो जाने से चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो गया हो और मूत्र स्त्राव बहुत ही अधिक होता हो, इस प्रयोग से उनका सोम रोग नष्ट होकर सौंदर्य लौट आता है दोस्तों। मासिक धर्म की अवधि में अनियमितता और मासिक धर्म की गड़बड़ियों में डॉक्टरों के पास भागने से पहले आज इसे अजमा कर देखें तो 90% मामलों में यह प्रयोग प्रणाली को स्वाभाविक दशा में लाता है। सिर दर्द, नेत्र रोग आदि अनेकानेक रोगों से छुटकारा प्राप्त होकर नवजीवन प्राप्त होता है। उपरोक्त यानी कि ऊपर बताए हुए सभी प्रयोगों के साथ अगर आप आँखों को त्रिफला और आंवले के रस से धोते रहते हैं तो आपको मोतियाबिंद से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। ताजे आंवलों को चबाने से मुख की गर्मी शांत होती है, आँखें स्वस्थ रहती हैं, कब्ज दूर रहती है, दिल और दिमाग की शक्ति बढ़ती है व चेहरे पर नई रौनक आती है। एक ताज़ा आंवले में नारंगी की अपेक्षा 20 गुना विटामिन सी होता है। महर्षि चरक का मत है कि जगत में जितनी भी रसायन औषधियां हैं उन सब में आंवला उत्कृष्ट है, क्योंकि इसमें जितने रोग निवारक, रक्त शोधक और आरोग्य वर्धक गुण हैं उतने किसी भी अन्य वस्तु में नहीं है। तो इस प्रकार से शहद और आंवले का सेवन करके आप अपने आप को हिष्ट पुष्ट बना सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी सेक्स लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे दोस्तों कुछ और नई जानकारियां लेकर के, कुछ और नई बातें लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।